Hello students, this is your period of English and we are continuing with worksheet 47 of the topic prepositions and now it's turn off exercise number C. In this exercise what we have to do, we have to fill these blanks with the prepositions of and of. Is it okay? So first of all let us describe the meaning of of and of. Of means hota beta ka. Is it okay? का के की यू कैन टेक ऑफ एंड नेक्स्ट इज ऑफ ऑफ होते हैं जब आप किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं इज़ इट ओके जब आप मीन्स नाउ टूडे यू आर हैविंग नो वर्क और किसी चीज़ को आप ऑफ कर देते हैं जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं और आई हैव ऑफ टूडे इज इट ओके सिमिलरली वी हैव टू फील अकॉर्डिंगली फर्स्ट इज माई फादर इज़ फॉन्ट डैश ईटिंग स्वीट्स कहता है मेरे पापा मिठाई खाने के बहुत शौकीन है इस फॉर्म सो वी विल गो विद द प्रेपोजिशन ऑफ माय फादर इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स स्पेशली व्हेन इट डैश फॉर हिम जब उनकी क्या होती है जब उनकी छुट्टी होती है व्हेन एवर इट ऑफ फॉर हिम नेक्स्ट इज द स्पीच डैश द लीडर वॉज गोइंग ऑन वेल कहता है कि जो नेता था उसकी स्पीच बहुत अच्छी जा रही थी द स्पीच ऑफ द लीडर ओ एफ ऑफ नेता की स्पीच बट दैट माइक वेंट अब उस माइक को क्या हो गया था वेंट ऑफ एंड कॉस्ट इंटरप्शन जब कहता है माइक बंद हो गया और इससे इंटरप्शन हो गई थी द डॉग जम्प्ड डैश द गेट द डॉग अब यहाँ पर कौन सा ऑफ आएगा ओ डबल एफ क्योंकि उसने गेट को जंप कर लिया है द डॉग जम्प्ट ऑफ द गेट एंड अटैक्ट द पैरट ऑफ माई कहते हैं उसने पैरट पर अटैक कर दिया और वो पैरट किसका था ऑफ माई नेबर मेरे पड़ोसी का नेक्स्ट इज द फ्लाइंग कार इज मेड ऑफ गुड क्वालिटी कहते हैं जो उड़ने वाली कार है ना बहुत अच्छी क्वालिटी से बनी है द फ्लाइंग कार इज मेड ऑफ गुड क्वालिटी इट विल Take off, it will take off the ground soon. Is it okay? I hope that again this exercise is quite clear to you. I again instruct you to do it by your own. Thank you, students. You will feel really good. Thank you.